लेदर मसाज और वो वेट फेस रिंच ऑफ विद वाटर एवॉइड। अच्छा ठीक है, वाओ मोर लाइट रिक्वायर्ड, थोड़ा लाइट ज़्यादा चाहिए इसको। तो आज का दिन तो ऐसे ही गया, प्लान था कि सुबह ही बना लेंगे वीडियो, लेकिन वो क्या हुआ बीच में थोड़ा एसिडिटी हो गया मुझे, तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, थोड़ा मतलब रेस्ट किया, फिर उसके बाद नहाया अभी, तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। बीच में कुछ दिन मैं थोड़ा काम से बिजी था, तो 15 डेज़ के आसपास मैं वीडियो नहीं बना पाया, 15-20 डेज़, और उससे पहले फिर मतलब एक महीने के आसपास मैं वीडियो बनाया नहीं। तो ट्राई कर रहा हूँ कि अभी से कंसिस्टेंट रहूँ और वीडियोज़ बनाऊँ। ये मिरर पर थोड़ा वीडियो बनाना अजीब लग रहा है, बट या इट्स फाइन। ट्राईपोड पे मैं कभी वीडियो बनाता नहीं, जिन्होंने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे उनको शायद पता होगा, या फिर मैंने बताया कि मैं DJI Pocket 2 यूज़ करता था, लेकिन अभी उससे लग रहा है कि जो iPhone 14 Pro Max है ये उससे बेटर है, सुपीरियर है। वीडियो क्वालिटी एडिट करने के बाद पता चलेगा कितना अच्छा है कितना ख़राब है। अभी के लिए तो ये इसका जो सिनेमैटिक मोड है वो बहुत ही अच्छा है। पहले आया करता था 1080p में, मतलब फुल HD में आया करता था iPhone 13 में, लेकिन अभी iPhone 14 में ये 4K 30 पे आ रहा है। तो अभी सोच रहा हूँ ये प्राइमरी कैमरा बन जाएगा मेरा। मैंने 256 GB का ले रखा है, एक इन्वेस्टमेंट है काइंड ऑफ लाइक, इतना पैसा मैंने खर्च किया है नॉट जस्ट फॉर द फोन, कैमरा के लिए मैंने पूरा पैसा इन्वेस्ट किया है। तो खैर अभी का सीन ऐसा है, और मुझे एक पर्टिकुलर वीडियो शूट करना था जो मैं बहुत दिन से मुझे मतलब पेंडिंग था। एक पार्सल आया था मुझे फास्ट एंड अप की तरफ से, उन्होंने एक पार्सल मुझे भेजा था और बोला था कि उसको आप यूज़ करो, उसके बाद उसका रिव्यू करो। रिव्यू आज मैं नहीं कर सकता क्योंकि एक काम से बिजी था, मैंने जैसे बोला कि एक महीने के आसपास उसमें पूरा बिजी रह गया। तो आज मैं उसका अनबॉक्सिंग कर सकता हूँ। पैकेट बहुत दिन से पड़ा है, लाइक 15 days बिफोर दिस सेंट मी द पैकेट। इट वॉज अ प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन बेसिकली। तो उनका जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही होगा, मैं नीचे डाल रहा हूँ अभी इंस्टा आईडी, मी अनुराग पंडा करके मेरा इंस्टा आईडी है, मैं स्टोरीज डालता रहता हूँ और उसमें मैं कूपन कोड भी देता हूँ, आपको 5% ऑफ मिलेगा और उसमें मुझे भी कमीशन मिलता है 5%। सो या दैट्स रियली नाइस इफ यू यूज दैट कूपन कोड। तो अभी मैं पैकेट अनबॉक्सिंग करता हूँ, आपको दिखाता हूँ पैकेट में है क्या। कहाँ गया पैकेट? एम पे तो था, गया पैकेट फास्ट एंड अप का। अभी मैं टॉप डाउन हाथ से कर लेते हैं, चाकू लेके आता हूँ, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं फिर हम लोग। ये वाला चाकू, मेरा अनबॉक्सिंग वाला चाकू कहाँ गया? इसको ऐसे निकाल लेते हैं। अच्छा पहले से खुल गया, ठीक है। निकाल निकाल निकाल। तो ये एक उनका प्रोटीन है, फास्ट एंड अप फोकस प्लांट प्रोटीन। ये एक प्लांट प्रोटीन है, मतलब हुए नहीं है इसमें। तो जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। इसमें क्या दिया है स्पेसिफिकेशन, 100% कंप्लीट प्लांट प्रोटीन है ये। और इसमें ये थोड़ा मतलब बिगिनर टाइप का प्रोटीन है, क्योंकि हम लोग जो नॉर्मली इसमें लिखा है कि 31 ग्राम ऑफ प्रोटीन है एक स्कूप में, तो मतलब एक सर्विंग में, मतलब एक सर्विंग बोलो आई थिंक 2 स्कूप कंसिडर कर रहे हैं। हाँ 2 स्कूप, और एक स्कूप भी काफ़ी बड़ा है इसमें। इसमें 10 सर्विंग्स हैं, मतलब एक सर्विंग अगर 2 स्कूप हुआ तो इसमें टोटल 20 स्कूप्स हैं। 10 दुने हाँ 20 स्कूप्स हैं। 100 ग्राम में 31 ग्राम ऑफ प्रोटीन है, जो कि रिलेटिवली कम है कंसिडरिंग हम लोग जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो हुए में हम लोग का 70 to 80% रह जाता है कंसनट्रेट में, आइसोलेट में और भी थोड़ा ऊपर चला जाता है। बट कंसिडरिंग द प्राइस, क्योंकि ये buy 1 get 1 पे आ रहा है, उनका भी सेल चल रहा है। ये कोई 1400 रुपये का है, मतलब 1 kg आपको 1400 में 2 मिल जाएगा आपको, मतलब 700 के आसपास में आपको प्रोटीन मिल रहा है 1 kg। दैट मीन्स इट्स रियली चीप, क्योंकि हम लोग जो 1 ग्राम का 1 kg का प्रोटीन लेते हैं जिसमें हम लोग का 70-80% प्रोटीन रहता है, वो कम से कम तो 1800-1900 का आ ही जाता है अगर आप सस्ते ब्रांड भी जाते हो, और महंगे ब्रांड में तो 2000-2500 के ऊपर भी चला जाता है। तो इस हिसाब से ये आप कंसिडर कर सकते हो। अब इसका टेस्ट वेस्ट मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, ये अनबॉक्सिंग मैंने अभी जस्ट किया हूँ। सील्ड है पैकेट, तो इसको इसमें प्लांट प्रोटीन है मैंने जैसे बोला है, और इसका एक डिटेल्ड रिव्यू मैं लाऊंगा अपने चैनल पे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अपना जो रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब कि इतना दिन से मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा था और मैं अपना बाल क्यों टच कर रहा हूँ, ये थोड़ा मैं अपना बाल को पीछे बांधने का ट्राई कर रहा हूँ। बट अभी क्या है कि ये उस लेवल पे पहुँचा नहीं है कि इसको मैं बांध सकूँ, तो अभी थोड़ा इसको सेट वेट करके रखना पड़ता है। बार बार मैं हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करता, तो बीच में कैप लगा लिया करता था। कुछ वीडियोस आपने देखा होगा जिसमें पूरा कैप लगाया मैंने, तो अभी थोड़ा और टाइम लगेगा इसको, मतलब ऐसे करके पूरा ऐसे पीछे बांधना है। अब पता नहीं वो लुक कैसा लगेगा, अगर ख़राब लगेगा तो फिर बाल मैं पूरा छोटा कर दूंगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े बाल मेंटेन करना नहीं होता है मुझे। तो ये मेरा नया घर है, तो मतलब जो प्रोजेक्ट मैं बोल रहा हूँ कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, उसका रीज़न ये है, ये जो मेरा घर है मैंने अभी मतलब नया, मतलब अपना खुद का नहीं है, ख़रीदा नहीं है, मतलब इट्स काइंड ऑफ ए गवर्नमेंट क्वार्टर। मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, आगे आपको बताऊँगा कि क्या जॉब है, कैसे क्या है। तो उन्होंने क्वार्टर अलॉट किया था मुझे, उसमें काफ़ी मुझे काम करना पड़ा, क्योंकि क्वार्टर अगर मेरे हिसाब से नहीं बना हो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बहुत सारा चीज़ मैंने चेंज करवाया, बहुत मतलब जैसे आप देख रहे हो कि प्लांट्स हैं यहाँ पे, तो मतलब एक अच्छे वाइब मिल रहे हैं इसको, मतलब थोड़ा मतलब मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल में कि क्या है मेरा घर का, कैसे क्या बनाया मैंने। तो वो रीज़न था कि इतना दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, इसके पीछे लगा था। तो डेफिनेटली इसके आगे फिर कंटिन्यूस वीडियोज़ डालता रहूँगा मैं एज यूजुअल। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द फुल रिव्यू ऑफ माई फास्ट एंड अप वे, और उनका सेल चल रहा है, मैं कूपन कोड नीचे दे रहा हूँ, काइंडली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, उनका कूपन कोड है, मैं स्टोरीज पे डालता रहूँगा। हर 8-10 दिन 15 दिन में इनका एक सेल चलता रहता है, तो डू यूज माई कूपन कोड एंड गेट 5% एक्स्ट्रा ऑफ। इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत कुछ प्लान कर रखा था, डे इन द लाइफ एज दिखाऊँगा, कुछ वजह से कि मेरा तबीयत थोड़ा खराब हो गया, तो सो आई कुडंट डू इट। डेफिनेटली in the future videos I will definitely do it. So yeah, thank you, bye bye.